मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सड़कों की खराब हालत को देखते हुए केंद्र सरकार ने 468 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इस परियोजना के तहत शहर की 23 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए पहले टेंडर बुलाए गए थे, लेकिन उन्हें निरस्त कर दिया गया है। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि पहले टेंडर में कमी थी और प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, जिसके कारण उन्हें निरस्त किया गया है। निगम आयुक्त ने कहा कि नए टेंडर में गुणवत्ता और कार्यशैली का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा टेंडर आने पर उनकी कार्यशैली और गुणवत्ता के आधार पर चयन किया जाएगा और बेस्ट टेंडर को इंदौर की सड़कों के लिए चुना जाएगा। देखिए, हमको उसमें लगा कि पार्टिसिपेशन इतना नहीं हुआ है, तो इस कारण से उसको जब समिति में जब वो समिति ने उसका डिस्कस किया तो उन्होंने पाया कि पर्याप्त मतलब इसमें कंपटीशन नहीं हुआ है, और तो इसलिए बल्कि हम लोगों ने जानने का प्रयास भी किया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका प्रचार भी किया गया था। और चूंकि इसमें नगर निगम एक निश्चित गारंटी मतलब समय सीमा में कि बिल सबमिट होने के 7 दिन के अंदर भुगतान भी करेंगे, तो ऐसी भी चीज़ की गई थी, बट इसके बावजूद थोड़ा कंपटीशन कम दिखा, जिसके लिए पुनः इसको निरस्त किया गया और समिति के अनुशंसा पर इसको पुनः 15 दिन के लिए अभी समय दिया गया है, ताकि अच्छे हमको क्वालिटी की रोड्स बनाई जाए और निश्चित गुणवत्ता में समय सीमा में काम हो जाए, तो इसके लिए दोबारा टेंडर किया इसका। इंदौर के निवासियों को उम्मीद है कि इस परियोजना से शहर की सड़कों की हालत में सुधार होगा और यातायात में आसानी होगी।